एक सपना जरूर होता है किसी हाँ। का जो बॉम्बे आता है कि मुझे एक्टर अगर बनना है मैं कभी वो सपना लेकर आया ही नहीं था आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मॉडल अच्छा तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं एड्स करूंगा मैं मॉडलिंग करूंगा या फिर फिल्म करूंगा कभी सोचा नहीं कि टी वी विल हैपन फॉर मी यू नो बिकॉज आप वही छाप लेके आते हो कि मुझे पिक्चरें करनी है आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक इतना लंबा शो कर पाए इतने वक्त तक एट ईयर्स ट्वेंटी वन हंड्रेड एपिसोड्स

बिकॉज आप वही छाप लेके आते हो कि मुझे पिक्चरें करनी है बॉलीवुड hmm. में एंट्री करनी है सो so, uh, ऐसा हुआ भी आई डिड अ फिल्म लव स्टोरी 2050 फिफ्टी विद प्रियंका चोपड़ा एंड हरमिन एंड फिर वेट कर रहे थे करते गए सीखते गए एंड देन रिश्ता हैपेन्ड एंड बस फिर वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई कभी सोचा नहीं था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि सोलह साल के बाद भी आज भी लोग मुझे उस नाम से जानते हैं पहचानते हैं नॉट ओनली इन इंडिया अब्रॉड Mm -hmm. I go, uh, चाहे वो मैं दुबई में अभी यही अपने सुरमा गाने के लिए शूट कर रहा था या फिर कहीं भी जाऊँ uh, ऐसा नहीं होता कि हैड फॉरेनर्स रिकनाइजिंग मी वाह आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक इतना लंबा शो कर पाए इतने वक्त तक एट ईयर्स ट्वेंटी वन हंड्रेड एपिसोड आज भी आपको उस काम के लिए देखा जाता है उस वक्त कहाँ थे आप जब ये रिश्ता क्या कहलाता के, के लिए कॉल आया था देट यॉज शॉर्ट लिस्टेड वेरी रैंडम कॉल जिसने एक्चुअली uh, नैतिक का किरदार प्ले करना था वो लास्ट मिनट ही बैकट आउट एंड आई डवन दैट इज हिस्ट्री नाउ सो मैंने ऑलरेडी एक शो साइन किया था स्टार वन के लिए okay. उस टाइम पे स्टार वन चलता था अगर uh -huh. आपको याद हो uh -huh. तो दैट डिट टेक ऑफ फॉर एट मंथ्स तो उसका काफी प्रेप किया हमने सब कुछ किया इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड थोड़ा एनिमेटेड सा कुछ ऐसा कुछ था जिसमें आई वॉज प्लेइंग अ गाय जो एनिमल से बात कर सकता है सो समथिंग दैट वॉज हैपनिंग विद बियॉन्ड ड्रीम्स एंड यश जी यश एन ममता सो दे वर द प्रोड्यूसर्स वेरी स्वीट पीपल बट फॉर सम रीज़न वो टेक ऑफ नहीं हुआ आई गॉट अ वेरी रैंडम कॉल फ्रॉम राजन जी हिमसेल्फ सेंग दैट दिस इज़ वो आई एम एंड सो यू हैव टू कम आई वॉन्ट टू सी यू एंड बिकॉज आई हैव अ शो एंड आई वॉज लाइक मैंने उनको फिर साफ साफ बताया मैंने कहा सर आई एम ऑलरेडी साइंड अप्रॉन अदर शो तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि साइंड अप है और आपको बोल दूँ कहते नहीं मैं यश को जानता हूँ मेरा दोस्त है मैंने कहा हाई ये कैसे हो रहा है तो देन आई कॉल्ड यश सर आफ्टर दैट एंड आई वॉज़ लाइक सर ऐसे ऐसे मुझे राजन जी ने फ़ोन किया है बोल रहे हैं कि आप दोस्त हैं और मैं उनसे मिलने जाऊँ कहते कारण डोंट वरी एट ऑल ही एज अ फ्रेंड एंड इफ ही सेंग बिकॉज uh, हमारे भी शो का भी कुछ पता नहीं है बट यू गो मीट हिम इन केस यी लाइक्स यू एन एवरीथिंग हैपन्स डोंट वरी अबाउट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज हमारा अभी कुछ क्लियर नहीं है mm. तो अगर तेरे को मिलता है तो वाई नॉट mm. तो देन आई वेंट आई मेट राजन जी आई सेट विद हिम फॉर थ्री आवर्स देर वॉज नो स्क्रीन टेस्ट देर वॉज नथिंग सीरियसली नथिंग ही जस्ट सैट विद मी आई थिंक वो भापरे होंगे कैसा है ये आस्टमी लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ से हो क्या पढ़ाई लिखाई की है क्या करते थे अभी तक क्या किया है सो ही आस्ट मी एवरीथिंग एंड ही सेड हाउ यू आर या जैसे तुम दिखते हो बिहेव कर रहे हो दिस इज़ नेथिक मैंने यही लिखा ही है मतलब दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फॉर माई कैरेक्टर एंड दिस इज वॉट आई सी इन यू दैट यू आर जस्ट दैट तो आई डोंट हैव टू मेक दैट एफर्ट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू विद यू तो आई लाइक ओके ओके तो बस ऐसी बात हुई उन्होंने कहा कि प्रोमो है एंड उसके लिए फिर आपको जाना है उदयपुर